थैंक यू थैंक यू बाबी भाई दूसरा फोटो ले लो, ग्रुप फोटो एक ले लेते हैं। हाँ बोलो। मिला करो। चलो 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 बड़ो बोट इधर इधर ही हूँ इधर ही हूँ रवि सर कुणाल दादा कुणाल कुणाल सर या ना कुटे सर साहब किधर मार दूँ एक तो फोटो हटो मैं फोटो मार दूँ बॉयज जब गाना चालू होगा ना तो उठा लेना ठीक है चलो सब उठाओ सब एक करते क्या हो ये कौन खड़े इधर अपना One more. Kunal, वो थोड़ा बहुत अच्छा था कौन हरा कौन आगा अपने डांसर में से हाथ उठा नाम मनोज येरुनकर है ये मराठी फिल्म है आरआर प्रोडक्शन से
पूरा नाम लाउड जी जी क्या ऑन लोकेशन की अगर बात करें शूट की बात करें तो क्या आज पिक्चराइज हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो मूवी है ये मिस्टरीज मूवी है, हो रहा मतलब वक्त, अभी वक्त ही बताएगा आगे जाके क्या होगा। तो पूरा मूवी हमने पालघर में फिल्म सिटी में शूट की थी, तो फिर पूरा फिल्म ख़त्म होने के बाद हमको ऐसा लगा कि ढाबा का लोकेशन हो, जो गाने का यूएसपी है, ये पूरा फिल्म का यूएसपी यही गाना है आइटम सॉन्ग, जो हर होटल में बारात में बजने वाला है। और अगर कहानी की बात करें तो किस प्रकार का क्या है? देखिए दर्शकों को बताया मैंने पहले ही बताया कि होरा मतलब वक्त, एक ऐसा समय जो सभी जो किरदार है एक बंगलों में अटक जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर समय ऐसा आता है कि कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा ये वक्त बताता है। आप जो फिल्म देखोगे तो एंड में पता चलेगा कि असली होरा क्या है। और कलाकारों की बात करें तो मराठी के लीजेंड अशोक शिंदे है, किशोर चौगले जो बिग बॉस में थे, शीतल आहिर राव है, अपने सिद्धांत घरत है, विशाल मोहिते है, ये सारे किरदार है। अभी जो आइटम गर्ल है मीरा जोशी, उन्हें बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। और मीरा जोशी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, आज के गाने के बारे में किस प्रकार का उनका कॉपरेशन रहा है और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? क्या शुरुआत से हम जब मिले उनसे तो उन्होंने गाना सुना, हम कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं गाने का, और जो बॉबी बत्रा है वो अच्छे कोरियोग्राफर है, उन्होंने भी समझाया, तो उन्होंने कॉपरेट किया, बहुत अच्छी तरह से कॉपरेट किया। लोकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? ये लोकेशन आबा का ढाबा, ये एक ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें जो हीरो एक आइटम गर्ल को देखता है और जो लड़की से फ्लर्ट करता है, ऐसा सिचुएशन है। अच्छा, हीरो भी है इस? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिद्धांत गरत करके है। थैंक यू। और इस फिल्म के बारे में आज के जो ये ऑन लोकेशन शूट हो रहा है उसके बारे में और मीरा के बारे में कैसी है केमिस्ट्री आपकी, आज कैसी होने वाली है? अच्छा, ये सबसे पहले परिचय है। पहले तो मेरा नाम सिद्धांत घरत है, ये फिल्म में एज ए डायरेक्टर और एक्टर मैं काम कर रहा हूँ, मनोज दादा के साथ हमने ये मिल के डायरेक्ट की है। तो फिल्म के बारे में बताएं तो एक मिस्टीरियस फिल्म है जैसे बताया गया है। दरअसल एक होता क्या है कि हमारे साथ कुछ घटनाएँ हो जाती है जिससे हम ताल्लुकात नहीं रखते, पर किसी की गलती की वजह से किसी को सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो अगर किसी के बोला यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब ट्रैप है जिसका जवाब आपको फिल्म में मिलने वाला है इसके स्टोरी के बारे में। और आज के गाना तो मीरा जोशी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा हम पहली बार मिले बात किए तो फ्रेंडशिप थी पहले से, मज़ा आ रही है डांस करने में, बॉबी जी के वजह से सब बढ़िया हो रहा है। और शीतल आहिर राव ये फिल्म की है हीरोइन, तो बस मज़ा आ रहा है, आइटम सॉन्ग है और क्या चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो कैसा केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री मतलब अच्छी है, दोस्ती अच्छी जा रही है, फिजिकली मतलब उसको भी कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी कोऑपरेट कर रही है वो, तो इट्स फन। और ये आज का जो ये ऑन लोकेशन शूट हो रहा है इसकी अगर बात करें तो क्या इसकी खासियत है और क्यों ऐसा चुना गया ढाबा होगा? एक्चुअली क्या पता है? नहीं रहा है एक्चुअली, सस्पेंस को सब दबा गया। देखिए ओरिजिनल लाइफ में ऐसे ढाबे पे मस्ती करने का सबका मन रहता है पर किसी को मौका नहीं मिलता है। तो फिल्म एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जो जी में आए मन करे तो हम वो मज़े कर सकते हैं, तो वो ढाबा चुना, आइटम गर्ल चुनी और मज़े कर रहे हैं। तो डायरेक्टर के साथ आप एक्टर भी हैं? हाँ जी। तो कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस फिल्म से और डायरेक्ट भी कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये एक एकांकिका पे बेस्ड स्टोरी थी जिसको बहुत प्राइज मिले गए हैं, जो विशाल मोहिते हैं राइटर, इनकी एकांकिका को बहुत प्राइज मिले हैं, तो हमने ये सोचा क्यों ना इसको बड़े पर्दे पे लाया जाए, एक फिल्म के रूप में उसको उतारे। तो अपेक्षा तो ये स्टोरी से बहुत है और ख़ास करके इसके गाने बहुत बढ़िया है। और दावे के साथ मैं कुछ कह सकता हूँ कि गाने ये इस फिल्म के जो कुछ गाने हैं वो ज़रूर अमर रहेंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से जो आपको देख रहे हैं या आपकी फिल्म जब लगेगी देखने जाएँ, क्या कुछ अपील करना? ज़रूर रहेगा कि एक थिएटर में जाके हमारी ये फिल्म आप ज़रूर देखें और
मराठी फिल्मों पे आप कैसा रहता है कि ये मैं मराठी में बोलना चाहूँगी कि नक्कीच मराठी पिक्चरला तुम्ही सपोर्ट करा, प्रोत्साहन करा. एक वेगळा विषय घेऊन आपण दरवेळी मांडत असतो आणि प्रयत्न असतो की काहीतरी नवीन द्यायचं. तर हा आमचा प्रयत्न आहे. नवीन टीम आहे, नवीन सगळे प्रोड्युसर मित्र आहेत, सगळ्यांची मेहनत आहे. त्या मेहनतीचं फळ तेव्हाच मिळेल जेव्हा तुम्ही थिएटरमध्ये जाऊन ती फिल्म बघा. तर नक्कीच थिएटरला जाऊन फिल्म बघा, एवढंच मी सांगेन. थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू. क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, आपके किरदार के बारे में, खास करके ये गाना जो ऑन लोकेशन शूट हो रहा है, कितना एंजॉय कर रही हैं? आइटम सॉन्ग है, एक नमक की तरह पूरे फिल्म में इसको यूज़ किया जा रहा है, तो कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर और अपने किरदार को लेकर? फिल्म का नाम है होरा और मैंने ट्रेलर देखा है इस फिल्म का और बहुत ही बढ़िया बना है. कुछ सस्पेंस लग रहा है फिल्म में और मैं इसमें आइटम सॉन्ग कर रही हूँ. सॉन्ग का नाम है पटाखा आइटम बॉम और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और गाना बहुत ही बढ़िया बना है. हमारे जो कोरियोग्राफर है बॉबी सर, तो उन्होंने बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी की है इसकी. एंड इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा रॉ स्टाइल हमने रखा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टाइल नहीं रखी है, फ्री स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं. तो डांस करने में बहुत एंजॉय कर रही हूँ और सेट जैसे आप देख रहे हो ढाबे का सेट है, तो आई एम हैविंग फन. तो कितने एक्साइटेड है, कितना आपको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं आप इस गाने को लेके? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और बेसिकली आप जैसे देख रहे हो खाट यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ का पूरा गांव का लोकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉप्स हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. तो प्रॉप्स के साथ खेलने में हमारे जो डांसर्स के वॉइस है तो वो सुपर एनर्जी वाले हैं लोग, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग. एंड ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सो आई एम हैविंग फन एंड बढ़िया मज़ा आ रहा है. क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जो देख रहे हैं आप? प्लीज़ ये गाना देखिए और आई एम श्योर कि आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा एंड यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग. मी हरू पाच खान गोरी 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 पान, मी हरू पाच खान गोरी 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 पान. नको तू हात मला लावू नको, फुकटचा त्रास मला देऊ नको. नको तू हात मला लावू नको, फुकटचा त्रास मला देऊ नको. हनाव माझं पटाख आयटम बॉम्ब. आय एम सॉरी, इतना ही आता मुझे. क्या कुछ डिफरेंट है ये गाना आज का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और गाने की अगर एक लाइन जो लाइनअप होता है कि गाने का एक स्टोरी होता है, क्या है स्टोरी? सबसे पहले तो मुझे सिद्धार्थ ने और मनोज ने इस गाने के बारे में बताया था कि हम एक गाना शूट करना चाहते हैं. जब मेरे पास ये गाना है, मैंने सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और ये एक आइटम सॉन्ग है और आप सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पूरा बॉलीवुड जानता है, मराठी इंडस्ट्री सब जानते हैं कि एक जो आइटम सॉन्ग है वो पूरी फिल्म का एक चार्म होता है. तो जब ये गाना मेरे पास आया, मैंने सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो इसकी प्लानिंग की सिद्धार्थ और जो डायरेक्टर है उनके साथ में बैठ के काफ़ी प्लानिंग की हम लोगों ने इस चीज़ को. हम लोगों ने अच्छे से डिज़ाइन किया, डांसर्स बैकड्रॉप, इस म्यूज़िक को और अच्छे से क्रिएट किया है ये भी अपना विशाल जी ने. तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हम लोगों ने उभारा है और आज हम लोग इस सेट के ऊपर है जो हम लोग गाना शूट कर रहे हैं आइटम सॉन्ग. अब कोशिश तो यही जारी है कि हम इसको अच्छे से अच्छा कर सकें, क्योंकि हर कोरियोग्राफर हर डायरेक्टर की यही तमन्ना होती है कि आइटम सॉन्ग जो है वो एक अच्छे तरीके से हो. तो वो कोशिश हमारी जारी है कि हम इस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करें. आई होप जब ये गाना रिलीज़ हो तो ये हर जगह ये गाना बजेगा. आई एम डैम श्योर इट्स इसके गाने के बोल है आइटम पटाखा बॉम्ब और आइटम सॉन्ग ही हिट होता है आजकल मार्केट में. सो लेट्स सी. मीरा की अगर बात करें तो कितना आपको कॉपरेट कर रही है, किस प्रकार का? वो काफ़ी कॉपरेट कर रही है. जब मीरा जी की जब बात आई थी, जब मैंने मीरा जी को गाना सुनाया हम लोगों ने, फिर जब बैठे उसके साथ, तो मीरा जी को जब हम बैठे इस चीज़ को जब कॉन्सेप्ट बताए, जब स्टेप्स बताए, तो वो बहुत खुश हुई और बहुत खुशी खुशी इस स्टेप्स को कर रही है. और एक स्टेप है इसमें जो फ्लोर पे जाते हैं हम लोग,
वो स्टेप भी काफ़ी अच्छे से वो कर रही है, वो ना देखते हुए कि मेरे नी को हर्ट होगा या क्या होगा, वो अपनी तरफ से पूरी जी जान से इस चीज़ को कर रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि जब एक हीरोइन अगर आपके साथ इस आइटम सॉन्ग में जान लगाए तो वो गाना आपका बहुत अच्छे से उभर के आता है। थीम की बात करें बॉबी, क्या है थीम? ऐसा है कि एक ढाबे का सॉन्ग है, इस ढाबे के ऊपर ये एक ड्रीम सॉन्ग है कि हमारा हीरो ड्रीम में जाता है और एक ढाबा दिखा रहे हैं हम लोग, उस ढाबे के अंदर सारे डांसर्स होते हैं और सब लोग आते हैं, एक आइटम गर्ल आती है, सबके साथ एंजॉय करती है, डांस करती है, आइटम पटाखा बॉम पूरा हल्ला मचता है। उसके बाद में एक जो हमारे इस फिल्म के अंदर जो एक प्ले करने वाले रोल जो एक विलन जैसा वो आते हैं और सिद्धार्थ का जो है वो गला दबाते हैं, तो उसका सपना ब्रेक हो जाता है। तो इट्स अ ड्रीम सॉन्ग बेसिकली, बट इसको आइटम पटाखा बॉम्ब, इसको आइटम सॉन्ग के जैसे ही हम वो भी। कितना चैलेंज है आपके लिए ये गाना करना? ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आइटम सॉन्ग की जब बात आती है तो दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन लोग लगाते हैं, और ऑफकोर्स बट आपको कितने लिए? मुझे सिर्फ एक रात मिला है मुझे सिर्फ एक रात मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और लेट्स सी अब कैसे क्या होता है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज ये ऑन लोकेशन शूट हो रहा है, एज ए प्रोड्यूसर कितनी खुशी हो रही है, कितना इंजॉय कर रहे हैं इस गाने को? अभी तो पूरा होना बाकी है, लेकिन गेटअप देख के बहुत अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर ने अपना पूरा उसमें मतलब पूरा दिया है। अंदर से खुशी हो रही है एज ए प्रोड्यूसर, मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, उससे खुशी मतलब पूरी बहुत ही खुशी, सब कुछ सही हो रहा है। सही जी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल से मराठी इंडस्ट्री में एक ऐसी कॉन्सेप्ट की मूवी आ रही है जिसका थॉट ही अलग है, क्योंकि आजकल लव स्टोरीज और ये सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही है, बट इस मूवी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, सस्पेंस भी है और थ्रिलर है। तो होप सो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये मूवी, क्योंकि इसके सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं। सर आप मुस्करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मोस्टली ये दोनों ने काफ़ी कुछ बता दिया है, पर इतना बोलूँगा मूवी का डायरेक्शन, स्टोरी काफ़ी सुंदर है और मिस्ट्री है, सस्पेंस मिस्ट्री है, और होरा का मतलब है वक्त, और ये समय बताएगा कि इसका सक्सेस क्या है, और गाने इसके बड़े सुंदर हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि होरा के प्रोड्यूसर हम हैं। तो मराठी इंडस्ट्री इस समय बूम कर रही है, तो सैराट की अगर बात करें और फिल्मों की बात करें, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मराठी इंडस्ट्री को लेकर? मराठी इंडस्ट्री मैं बोलूँगा अपने आप में एक बहुत महान है, और हम लोग ने सोचा कि पहले मराठी बनाए, क्योंकि तो ये मराठी पहला प्रोजेक्ट है आप लोगों का? हमारा तीनों जन। अच्छा। तो हमने पहला बोला मराठी बनाएंगे, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इस वक्त मराठी इंडस्ट्री एकदम बूम में है, और होरा का जब हम लोग ने स्टोरी सुना तो हमें बहुत काफ़ी पसंद आया, तो बोला चलो इस पर वर्किंग करते हैं, और आज हमारा फाइनल है, और गाना भी बहुत सुंदर है, और आपने लोकेशन देख लिया है, काफ़ी सुंदर है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए प्रोड्यूसर? फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, नहीं तो खुद की फिल्म बन जाती है कभी कभी। जी, तो एज ए प्रोड्यूसर कितना सेटिस्फाई हैं आप अपनी इस प्रोजेक्ट से? डायरेक्टर से लेके सब कैरेक्टर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत कम बोलते हैं सर आप बोले सर आप बताएं। आफ्टर ऑल ये हमारा फाइनल शो था ये गाने का, और इसके बाद में हम लोग जल्दी रिलीजिंग के लिए जाएंगे, तो आप लोग जल्दी सिनेमाज में ये मूवी देख सकते हैं। चलिए, कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से जब ये लगेगी थिएटर में और इस फिल्म को देखें? हाँ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसकी कहानी टोटली डिफरेंट है आज के दौर के हिसाब से, तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस प्लीज जाइए और मूवी देखिए, वी विल एंजॉय दैट। जी जी सर, डेफिनेटली सब लोगों ने दिया है, देखने चाहिए कि जैसे इन्होंने आपको क्यों देखना चाहिए, लेकिन क्या है ऐसी बात इसमें? ऐसा हॉरर है, मतलब हंसाने के लिए पूरा रखा है इसमें। अच्छा, जी जी जी, आप क्या अपील करना चाहिए? मैं अपील यही करूँगा कि मूवी देखने जाइए और इन्जॉय कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू चाहेंगे इस गाने को लेके, इस फिल्म को लेके आप कितने एक्साइटेड हैं, और फिल्म की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर?
ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, पूरा टाइटल है फिल्म का। पूरा का मतलब होता है वक्त, तो हमने पूरा वक्त लिया ये सोचने में कि इस फिल्म का एक किस तरीके से एक USP बनाई जाए और किस तरीके से इस फिल्म को प्रमोट किया जाए। तो ये फिल्म एक नॉन म्यूजिकल होते हुए भी हमने इसको पूरे तरीके से म्यूजिकल फिल्म रखने की कोशिश की है। और जब पूरी शूटिंग ख़त्म हो गई, पूरा एडिट ख़त्म हुआ, तो हमने प्लान किया कि एक गाना बनाया जाए जो एक USP सॉन्ग हो, ऑडियंस को अंदर लाने के लिए एक मज़ेदार आइटम नंबर हो। तो इसी तरीके से हमने ये प्लान किया आइटम पटाखा इस गाने का। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है महमूद भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने रणनीति बनाई है इसको थिएटर तक पहुंचाने के लिए और कितने थिएटर मिल रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर देखिए, ये एज एन प्रोड्यूसर भी मैंने फिल्म की है मराठी, और उसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ही किया था। तो एक मराठी के लिए चैलेंज होता है कि अनफॉर्चुनेट मराठी फिल्म के लिए हमें थिएटर हायर करना पड़ता है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहने के बाद भी हमें मराठी फिल्म के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ता है जो हिंदी के लिए, भोजपुरी के लिए, पंजाबी के लिए, इवन तेलुगू और मलयालम के लिए नहीं करना पड़ता है। तो इस फिल्म को हमने 100 थिएटर्स के साथ में ओपन करने का सोचा ऑल महाराष्ट्र। और आज गाना ख़त्म होने के बाद, एडिट होने के बाद में इस फिल्म का फर्स्ट लुक करेंगे हम, और वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे प्रमोशन। ओके, अभी तक डेट वगैरह कोई फाइनल है? नहीं, डेट फाइनल है। हम नवंबर सेकंड वीक में आफ्टर दिवाली आ रहे हैं। दिवाली में इतनी बड़ी फिल्म है ठग ऑफ हिंदुस्तान, तो डेफिनेटली उससे पहले या उसके करीब करीब आने का मतलब नहीं, उसके बाद आएंगे। ऐसा सुनने में आया कि आप 4-5 फिल्में मराठी एक साथ रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी मराठी फिल्म एक के बाद एक ये हो रहा है, उसके बाद में एक बड़ी फिल्म है जिसको हम दिसंबर प्लान कर रहे हैं, और अताबस है टाइटल, मल्टी स्टारर फिल्म है, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है उसमें। उसके बाद में हम एक जनवरी फिल्म लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से 4-5 फिल्में हैं जो मुझसे बेहतर नजमा जी जानते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।